हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लाइफ माई सेल्फ ऋषिका एंड आई एम हेअ विद द वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ एंड इन दिस वीडियो मैं आपको हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को एक्सप्लेन करूंगी एज बिकॉज मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैं अदर सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो बनाऊँ सो आई एम हेअ विद द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन नाउ इज़ दी फर्स्ट लेसन दैट इज़ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री सोर्सेज का मतलब होता है ना जरिया या माध्यम भी आप बोल सकते हो हिंदी में जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है ओके okay? वो माध्यम सो बिफोर स्टार्टिंग दी लेसन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसका बे, इसकी बेनिफिट आप दूसरे लोगों को मिल सके एंड प्लीज़ वॉच टिल दी एंड ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन टिल नाउ वी हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ एंशियट मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया सो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने हिस्ट्री एनशियट हिस्ट्री पढ़ी होगी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी एंड मॉडर्न इंडिया के बारे में भी पढ़ा होगा एनशियट के मतलब आप समझते होंगे एज uh, मैन जब होते थे नोमेडिक स्टेज या दैट टाइम मेडिवल मीन्स आप जब किंग क्वींस पर्ट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा एंड मॉडर्न इंडिया के बारे में भी आपने पढ़ा है दिस ईयर वी हैव टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन दोस्ट इंडिपेंडेंस एरा सो ये भी एक मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड ही है बट ये कब का यहाँ पर आपको हिस्ट्री समझा रहे बता रहे हैं जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उस वक्त का सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ एंशेंट मेडिवल हिस्ट्री सो जो सोर्सेज होते, है होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो डिफरेंट होते हैं एनशियट और मेडिवल हिस्ट्री से या नेचुरली होंगे क्योंकि इट इज़ वेरी डिफरेंट दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंडिया modern history sorry we can study history with the help of various sources like written sources material sources oral sources and sources in the audio visual medium so yahan par aapko bata rahi ki history aapko kin kin cheezon se aap history को study कर सकते हैं क्या क्या चीजों की हेल्प लेकर so, वो sources कौन कौन से हैं written sources या मटेरियल सोर्सेज ओरल सोर्सेज एंड सोर्सेज इन ऑडियो विजुअल मीडियम सो ये जो आंसर्स भी आपके हो सकते हैं आपने देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट मैप्स वगैरह आते हैं आपके एम सी क्यूज में भी आ सकते हैं सो so, कौन कौन से सोर्सेज है रिटर्न सोर्सेज आप हमें सब राइटिंग में मिले मटेरियल सोर्सेज ओरल सोर्सेज एंड सोर्सेज इन ऑडियो विजुअल मीडियम ऑडियो मीन्स सुनना विजुअल मीन्स देखना जैसे कि आप एग्जाम्पल uh, ले सकते हो टी वी प्रोग्राम्स वगैरह के या yeah? सो so, वहाँ पर हमें ऑडो विजुअल के जरिए हिस्ट्री के बारे में पता चलता है इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेज एट द रिलीजन स्टेट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल सो जब हम मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करते हैं अभी के टाइम में जब हम बात करते हैं सो so हमें बहुत ही जगह से बहुत सारे सोर्सेज से नोट लेने पड़ते हैं जैसे कि रिलीजन से या स्टेट से नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल तक हमें नोट्स वहाँ से भी लेकर हिस्ट्री को लिखना पड़ता है या फिर हिस्ट्री अगर हम लिख रहे हैं बता रहे हैं ऑल दैट ओके वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज तो हम हिस्ट्री को लिख सकते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज सो नंबर वन इज रिटन सोर्सेज द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन दिट रिटन सोर्सेज सो रिटन सोर्सेज में ये सारे सोर्सेज को इंक्लूड किया गया है सो दिस बॉक्स दिस वन इज नॉट इन देयर योर सिलेबस फ्राम ट्वेंटी ट्वेंटी वन बैच ओके फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन एक कर देती हूँ सो इट इज़ न्यूज़ पेपर द फर्स्ट वन रिटर्न सोर्सेज इज़ न्यूज़ पेपर सेकेंड इज़ प्रियोडिकल्स प्रियोडिकल्स का मतलब मैगजींस होते हैं डायरीज रिफ्रेंस बुक्स करस्पोंडेंस करस्पॉन्डेंस मीन्स कम्युनिकेशन बाई एक्सचेंज ऑफ लेटर्स जब हम लेटर्स को एक्सचेंज करके बातचीत करते थे उस कम्युनिकेशन दैट इज़ करस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंट्स इन्स आरकाइव्स आरकाइव मीन्स अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्स जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल चीज़ें रखी जाती है उसे आर्किव्स कहते हैं गवर्नमेंट गैजेट्स गवर्नमेंट गैजेट्स का मतलब होता है ना जहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिश करती है पब्लिक के हेल्थ मीन्स पब्लिक के हेल्प के लिए जहाँ पर वो अपने सारे चीज़ें बताती हैं कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है दैट इज़ गमेंट गैजेट्स पोस्टेड स्टैम्प एंड इंसाइक्लोपीडियाज ओके द नेक्स्ट इज़ डू यू नो

दी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड दे आर ऑल्सो मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन सो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं न्यूज़ पेपर के बारे में या न्यूज़ पेपर चौथा स्तंभ होता है डेमोक्रेसी का मतलब आप समझते हो जनतंत्र या हम जहाँ रहते हैं वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है यस तो न्यूज़ पेपर उसका फोर्थ पिलर है चौथा स्तंभ है और ये बहुत ही बड़ा मीडियम होता है इन्फॉर्मेशन के लिए यस हमें न्यूज़ पेपर से बहुत सा इंफॉर्मेशन मिलते हैं इफ़ यू कंसिडर द पीरियड if we consider the period from 1961 to 2000 we see that in the beginning there was no alternative to the print media especially newspapers so agar yahan par agar hum baat kare 1961 se 2000 tak ओके okay, इन बी ये बीच जो साल थे उनके बीच में बात करें सो so, यहाँ पर newspaper के अलावा कोई भी और alternative नहीं था print media के पास ओके okay? सिर्फ न्यूज़पेपर्स पेपर्स आते थे जिसे हमें information मिल सके with liberalization and widespread use of internet in india an alternative for print media become available yes liberalization ka matlab hota hai jab hame jab government kisi चीज़ से हमें आज़ादी दे देती है कि relaxation दे देती है जब हमें relaxation मिला और internet का बहुत use होने लगा इंडिया में so print media के बहुत सारे और alternative भी आ गए जैसे अब न्यूज वगैरह देख सकते हो या टेलीविज़न पे जो न्यूज़ आती है अब तो हम अपने फ़ोन पर भी न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं ओके थ्रू okay? सोशल मीडिया भी इतने एक्टिव हो गई है सो so, इसके थ्रू थोड़ा न्यूज़पेपर का एक अल्टरनेटिव आ गया येट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल लेकिन अभी के टाइम में भी प्रिंट मीडिया बहुत ही पावरफुल है यस न्यूज़ थ्रू न्यूज़ पेपर्स वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स सो हम न्यूज़ पेपर के ज़रिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है या इट इज़ वेरी सिंपल नेशनल एंड इंटरनेशनल मीन्स बाहर हमारे देश में क्या हो रहा है हमारे बाहर देश में क्या हो रहा है विदेश की जानकारी सब हमें न्यूज़ पेपर से मिलती है पॉलिटिक्स के बारे में आर्ट स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स या ये सारे चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़ पेपर से मिलती है न्यूज़ पेपर्स कंटेंट मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ और हमारे इंसानी लाइफ से रिलेटेड भी न्यूज़पेपर में बहुत सारे मैटर्स रहते हैं मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रिलीजन एडिशन सो बहुत सारे जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने क्या किया अपना रिलीजन एडिशन भी स्टार्ट कर दिया ओके okay? वो अपने धर्म के मीन्स अपने कास्ट आप बोल सकते हो कि अपने लैंग्वेजेस के बहुत सारे लैंग्वेजेस की न्यूज़पेपर या अपनी धार्मिक ऐसे न्यूज़पेपर भी वो स्टार्ट करती है स्टार्ट किया है उन्होंने दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स सो वो सप्लीमेंट्स जारी करते हैं सप्लीमेंट्स ना दो तीन पेजेस का होता है जिसमें एक ही टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है सो so, बहुत सारे टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन भी वो सप्लीमेंट्स के जरिए पब्लिश करते हैं न्यूज़ लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ मंथली एंड एनुअल मैगज़ीन्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया सो न्यूज़ लेटर्स हमें बहुत सारी क्या क्या हमारे देश में क्या मूवमेंट हो रहा है क्या मुहिम चल रही है क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी रिलीज करती है डेलीज और वीकलीज न्यूज़पेपर्स या मंथली या एनुअल मैगजीन्स या ये सारे चीज प्रिंट मीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सम न्यूज पेपर्स प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स टूवर्ड द एंड ऑफ द ईयर दैट टेक एन ओवर ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर सो कुछ कुछ न्यूज पेपर वाले क्या करते हैं साल के अंत में सप्लीमेंट जारी करते हैं जिसमें आप पूरे साल जो कुछ भी हुआ है उसका एक ओवरव्यू मीन्स एक तरह से आप उसे नज़र डाल सकते हो सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर सो इसे हमें क्या पता चलता है पूरे साल भर कितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए सो नेक्स्ट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पी टी आई आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी थ्री द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ऑफ आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सो नाइनटीन फिफ्टी थ्री के बाद पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बहुत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ठीक है जिस जिसमें हमें प्राइमरी डिटेल्स कोई भी इवेंट्स के इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स के इंफॉर्मेशन कोई सब्जेक्ट पे हमें वहाँ से मिलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफ़िक ईशूज़ टू न्यूज़ पेपर्स सो पी क्या करता है कि पी ने बहुत सारे रिपोर्ट्स फ़ोटोग्राफ्स आर्टिकल्स फाइनेंशियल या साइंटिफिक ईशूज पर न्यूज़ को उन्होंने भेजा या प्रोवाइड करते हैं पी टी आई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस अब पी टी आई ने क्या कर दिया है ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी है ड्यूरिंग द नाइनटीन नाइन्टीज़ पी टी आई स्टार्टेड नाइनटीन नाइन्टीज़ पी टी आई स्टार्टड यूजिंग द सेटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टीड ऑफ टेलीप्रिंट्स टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री सो पी टी आई ने क्या किया नाइनटीन नाइन्टीज के बाद से पी टी आई ने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया ओके okay? इसके ये टेक्नोलॉजी के हेल्प से वो बिना टेलीप्रिंट मीन्स बिना लिखे हुए या बिना लिखे ही सारे ऑल पूरे कंट्री में न्यूज़ को वो स्प्रेड कर सकते हैं दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल है हिस्ट्री uh, को मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को लिखने में जो हेल्प कर सकता है ओके सो दिस इज डू यू नो ओके ये भी आपके सेलेबस uh, uh, में नहीं है रिड्यूस कर दिया गया है बट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ओके अमंग द प्रिंट मीडिया दी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द एनुअल इश्यूज ऑफ द पब्लिकेशन डिविज़न ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑथेंटिक एंड ट्रस्ट वो दी सो जब प्रिंट मीडिया की बात आती है अमंग द प्रिंट इंडिया के अंदर ही जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है पब्लिकेशन डिविजन ऑफ इंडिया के थ्रू वो ऑथेंटिक और ट्रस्ट वर्ती होती है मीन्स इट इज़ वेरी ट्रू और इस पर आप रिलायबल होती है इस पर आप भरोसा कर सकते हो

It contains useful information about the land, its people, national emblems, political system, defense, education, cultural events, and an account of the developments in the field of science and technology, environment, health and family welfare, social welfare, media of mass communications, along with basic data related to economics, finance, planning, agriculture. वाटर कंजर्वेशन रूरल डेवलपमेंट फूड एंड सिविल सप्लाईज एनर्जी इंडस्ट्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रांसपोर्ट कम्य ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लेबर हाउसिंग लॉज एंड स्टैचूज यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा सो इतने सारे चीजों के बारे में इसमें जानकारी थी इट इज पॉसिबल फॉर अस टू राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इंफॉर्मेशन सो ये सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू आप हिस्ट्री को लिख सकते हो या लिख सकते हैं हम हिस्ट्री को इन सारे इंफॉर्मेशन के हेल्प से सो नेक्स्ट इज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट भी है ओके okay, यहाँ पर आप जाके भी पत, पढ़ सकते हो देख सकते हो इसकी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी सो द नेक्स्ट इज पोस्टेज स्टैम्प्स दी पोस्टेज स्टैम्प्स डोंट ट्रेवल एनीथिंग ऑन देयर ओन येट अ हिस्टोरियन मेक्स देम स्पीक ओके सो पोस्टर स्टैम्प आप समझते हो डाक टिकट भी उसे हिंदी में कहते हैं सो so, एक टिकट होता है जो आपको पोस्ट ऑफिस ही इशू करती है अगर आपको कोई आप कुरियर या फिर कोई लेटर सेंड कर रहे हैं ओके सो कोई भी पोस्टर स्टैम्प खुद अपने बारे में रिविल नहीं करती है हिस्टोरियन उसे रिविल करने में रिविल करने में हेल्प करता है येस yes? या फिर वो रिविल करवाता है पोस्टे स्टैम्प से और उसे पोस्टर स्टैम्प का यूज़ करके हम हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं समझ सकते हैं देअर हैव बिन सेवल चेंजेस इन पोस्टर स्टैम्प सिंस इंडिया इंडिपेंड सो इंडिया को जब आज़ादी मिली उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस पोस्टेड स्टैम्प में हुए हैं पोस्टे स्टैम्प अबाउट चेंजिंग टाइम्स ड्यू टू वराइटी इन दाइज ऑफ द स्टैम्प द नोवेल्टी इन देअ सब्जेक्ट्स एंड कलर स्कीम्स सो पोस्टेड स्टैम्प जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे आप उसके साइज़ में वैरायटी देख सकते हो आप उसके सब्जेक्ट्स में वैराइटी देख सकते हो डिफरेंसेस देख सकते हो कलर स्कीम्स में डिफरेंसेस देख सकते हो दी पोस्टल डिपार्टमेंट इशूज़ पोस्टर स्टैम्प ऑन वाइड वराइटी ऑफ थीम्स लाइक सो पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्टर स्टैम्प को इशू करता है या और बहुत सारे अलग अलग वैराइटी पे जिसके वो थीम रखते हैं जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स पे रख सकते हैं फ्लावर्स पे हो सकता है एनिमल्स के बर्ड्स के कोई इवेंट हुआ हो और दे सिल्वर गोल्डन डायमंड जुबलीज हुए हो अगर या सेंचुरी बाई सेंचुरी मीन्स डबल सेंचुरी ट्राई सेंचुरी मीन्स थ्री सेंचुरी थ्री हंड्रेड सेंचुरी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स कोई इवेंट्स के अगर कोई हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड सेंचुरीज हुए हो तो उस पर भी वो पोस्टल स्टैंप इशू कर सकता है इट इज़ देयर फॉर अवेल्यूबल रेप पोस्टरी ऑफ हिस्ट्री ओके सो दिस इज़ वेरी वैल्यूबल है बहुत ही uh, बोलते हैं ना ख़जाने की तरह होता है हिस्ट्री का एक ख़जाना है ओके सो विल मूव टू द डू यू नो पार्ट बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस द इंडियन गवर्नमेंट इशूड दी जाल कुपर स्टैम्प इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन ओके सो नाइनटीन सेवेंटी सेवन में इंडियन गवर्नमेंट ने जाल कुपर स्टैम्प को इशू किया था या सो अब यहाँ पर उसका पिक भी देख सकते हो जाल कुपर वॉज एन इंटरनेशनली अक्लेम्ड फिललिस्टिक सो जाल कुपर बहुत बड़े एक्सपर्ट थे ओके एंड एन एक्सपर्ट ऑन दब्जेक्ट ऑफ पोस्ट स्टैम्प तो उनको आप स्टैम्प कलेक्टर भी कह सकते हो जिनको स्टैम्प्स को वगैरह को लेकर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो या बहुत इंफॉर्मेशन के पास हो सो so, उनका नाम जाल कुपर था बॉर्न इन अ पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई कुपर एडिटेड इंडियस इंडिया स्टैम्प जर्नल सो वो एक पारसी फैमिली uh, में बॉर्न हुए थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलैलिटिक ब्यूरो इन इंडिया एंड ऑफ इज दैट कलेक्टर स्टैम्प सो उन्होंने ही सबसे पहला फिललिस्टिक मीन्स स्टैम्प कलेक्टर जो ब्यूरो होता है इंडिया में उसकी स्थापना की थी उसको उन्होंने uh, सबसे पहले वो फाउंडर है जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करती है ही फाउंडेड दी एम्पायर ऑफ इंडिया फिललिस्टिक सोसाइटी ही वेंट ऑन टू राइट मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट्स तो उन्होंने एक, एक एम्पायर भी खड़ा किया इसके रिलेटेड एंड वो उन्होंने बहुत सारी किताबें भी इसके बाद इस सब्जेक्ट पर लिखी ही गेव अ साइंटिफिक बेंड टू हिज हॉबी उनका ये हॉबी था बट उन्होंने कैसे अपने हॉबी को साइंटिफिक बेंड uh, दिया ओके ही प्लेड अ पीविटर पिविटर मीज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग द स्टडी ऑफ इंडियन पोस्ट स्टैम्प टू द इंटरनेशनल लेवल सो वो इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले गए ओके okay, और उनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हाथ है हैविंग स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर स्टैम्प कलेक्टर कूपर अचीव द एक्सपर्टाइज ऑफ अ फिलिटिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल सो कूपर ने एक हॉबी के तरह ओके okay, जब उन्होंने अपना सॉरी उन्होंने अपने करियर एक पोस्ट स्टैम्प कलेक्टर के साथ जैसे शुरू की थी बट वो अपने इसमें इतने एक्सपर्टाइज हो गए कि वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए The poster stamps on Jal Cooper is an important source to understand his significant contribution to this field. तो so, उन्होंने कितना important contribution किया था Jal Cooper ने ये आप उनके poster stamps से ही देख सकते हो, okay? Next is material sources. The following sources are included among the physical sources. So यहाँ पर material sources हैं, okay? These are ये भी आपके syllabus में नहीं हैं, but मैं आपको इधर पता देती हूँ. सो मटेरियल सोर्सेज में कॉइंस आते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप थिंग्स इन डेली यूज रॉयल सील्स मॉडर्न आर्किटेक्चर क्लोथिंग म्यूजियम एंड ऑर्नामेंट्स ओके सो यहाँ पर आप कॉइंस के बारे में पढ़ेंगे सो नेक्स्ट मूव सो हेयर इज कॉइंस वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद दी हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स ओके सो आप देख सकते हो आप कॉइन्स भी कितना हेल्प कर सकता है आपको हिस्ट्री को समझने में ओके एंड करेंसी नोट्स भी आप करेंसी नोट्स के थ्रू एंड कॉइन्स के थ्रू हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स दी नोट इट हैज इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई ओके सो आर बी आई क्या करती है नोट्स को प्रिंट करती है और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है द क्वाइंस फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू दोज यूज एट प्रेजेंट द मेटल यूज फॉर मेकिंग दैम देआर डिफरेंट शेप्स द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन दैम टुगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स प्रेजेंट इशूज़ इन इंडिया सो अब कॉइन्स नाइनटीन फिफ्टी से जो काइंस यूज़ हो रहे हैं एंड आप जब प्रेजेंट के कॉइन्स को देखते हो तो उसमें मेटल जो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हुआ है या उनके शेप्स में डिफरेंसेज हैं उनके सब्जेक्ट्स में मीन्स वो किस थीम पर बनी है उस पर भी डिफरेंसेज हैं या और ये सारा हमें क्या हेल्प करता है इंडिया के प्रजेंट इशूज़ के समझने में ओके okay? इंडिया में क्या प्रेजेंट में हो रहा है उसके इशूज़ को समझने में

सो so, ये आपको क्या कन्वे करता है आपको इंपॉर्टेंस समझाता है ओके नेक्स्ट इज म्यूज़ियम्स ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स दैट डिपेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चर एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट स्टेट सो पूरे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं सबके सबके अपने अपने म्यूजियम्स हैं और सारे स्टेट के कल्चर और वहाँ का सोशल हेरिटेज वहाँ की सोशल खूबी क्या है मतलब उन स्टेट में उन स्टेट्स में क्या क्या है वहाँ के कल्चर्स को म्यूजियम्स म्यूज़ियम्स में दिखाया जाता है या दे इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री सो यहाँ से भी हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं जैसे एग्जाम्पल दी छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम एट मुंबई रिजर्व बैंक म्यूज़ियम इन पुणे सिटी सो दीज आर द म्यूज़ियम्स जिससे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं इसमें हिस्ट्री हम किसे समझेंगे ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेटअप देयर ओन म्यूज़ियम्स सो गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे प्राइवेट कलेक्टर्स भी म्यूजियम्स को सेट करते हैं दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंगटिव डिस्टिंगसिफ़ मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होते हैं जैसे कि क्वाइंस पे हो सकते हैं वो म्यूजियम पूरा कॉइंस के रिलेटेड ही होगा नोट्स पे होगा लैम्प्स पे होगा एंड नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स क्रिकेट इक्विपमेंट एक्सेट्रा ओके नेक्स्ट इज ओरल सोर्सेज दिस सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स फोक सॉन्ग्स प्रोवर्ब्स बैलट्स एंड ओवीज मराठी वर्सेस इन ओरल ट्रेडिशन सो ओरल सोर्सेस जो हम uh, कि, uh, किसी से सुनते हैं स्टोरी टेलिंग या पोएम्स वगैरह ओके सो एक्टिविस्ट वर इंस्पायर्ड बाय दी पोवडास ऑफ लोक शाहिर अन्ना भाव साथे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट सो फोक टेल्स का मतलब होता है वहाँ के जो स्थानीय uh, जो लोग होते हैं वहाँ के जो कहानी वगैरह सुनाते हैं सॉन्ग्स या फिर ये मराठ मराठी वर्सेज में ओके पोएम्स वगैरह सुनाना दैट ऑल एंड इन संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जब हुआ था सो so उसमें जो एक्टिविस्ट थे एक्टिविस्ट में जो लोग जो काम कर रहे थे ओके okay, वो किससे इंस्पायर हुए थे पोवड़ा से या पोवड़ा इज़ अ मराठी में जो पोएम्स वगैरह जो कहते हैं दी ओरल दिस इज द ओरल सोर्सेज यस, yes. सो so, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट भी इसी से इंस्पायर्ड था सो so, हमें यहाँ से भी हिस्ट्री को समझने में हेल्प मिलती है ओके आल मूव टू दैक्स्ट टॉपिक दैट इज नेक्स्ट इज ऑडो विजुअल सोर्सेज ओके सो ऑडियो विजुअल सोर्सेज मीन्स क्या क्या आते हैं उसमें टेलीविजन फिल्म इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया या क्योंकि इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं सो टेलीविजन फिल्म इंटरनेट ये सारे मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरन टेलीविज़न चैनल्स ऑल्सो कम अंडर दिस हेड सो बहुत सारे डोमेस्टिक चैनल्स और फॉरन चैनल्स भी इसमें आते हैं जैसे कि हिस्ट्री चैनल डिस्कवरी चैनल या फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफ टी आई आई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन नाइनटीन सिक्सटी विद दर्पजस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन सो एफ टी आई आई मीन्स फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने इन नाइनटीन सिक्सटी में पुणे में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट को शुरू किया ये किसके लिए था पब्लिक को एजुकेशन देने के लिए रिलेटेड टू द फिल्म एंड टेलीविज़न्स वगैरह के लिए एंड इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस्ड वेरियस न्यूजर न्यूजरल्स मीन्स अ शॉर्ट फिल्म ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स सोशल इशूज आर्ट स्पोर्ट्स एंड कल्चर सो so, एक इंस्टीट्यूट है इंडियन न्यूज़ रिव्यू करके उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे जैसे कि पॉलिटिकल सोशल इश्यूज आर्ट स्पोर्ट्स एंड कल्चर दिस डिपार्टमेंट हैज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोम मीन्स इंपॉर्टेंट सोशल लीडर्स ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री एंड अबाउट इम्पोर्टेंट लोकेशन इन इंडिया सो इसी इसी डिपार्टमेंट ने और भी छोटी छोटी फिल्म मीन डॉक्यूमेंट्रीज छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं रिलेटेड टू द वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स सोशल लीडर्स थे या फिर वो लोग जिन्होंने कंट्री uh, के लिए बहुत uh, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इन एनी फील्ड ओके और बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट लोकेशनस हैं इंडिया में उसके uh, उस पर उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं दिस न्यूज़ रिलीज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ आर यूज़फुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सो ये न्यूज़ रिलीज़ या ये शॉर्ट uh, फिल्म ये डॉक्यूमेंट्रीज हमें हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को समझने में बहुत ही हेल्प कर सकती है ओके टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सो यहाँ पर आपने बहुत सारे सोर्सेज को पढ़ा जो हमें हिस्ट्री को लिखने में हेल्प कर सकता है ऑफ मॉडर्न इंडिया ओके द टाइम इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आर चेंजिंग सो रैपिडली दैट इवन दिस सोर्सेज विल प्रूफ टू बी इन एडिकेट सो अभी इतना टाइम इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है कि ये सोर्सेज भी ऐसा हो कि कम पड़ जाए या फिर ये प्रूफ के लिए भी उतना नहीं रहे हाउ एवर न्यू सोर्सेज आर कमिंग फ्रोथ क्योंकि नए नए बहुत सारे सोर्सेज भी आगे आ रहे हैं तो हो सकता है कि यह कम पड़ जाए है ना इसके बावजूद भी हमें और सारे सोर्सेज लगे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स कैजेट कॉल पेग केम अप फॉर कॉन्टेक्टिंग पीपल सो जैसे जैसे कि जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुए जैसे जैसे बदलाव होते गया लैंडलाइन से हम सेल्फोन पर आ गए और एक गैजेट भी आया था पैगर करके जिससे हम पीपल्स को आप, आप, आप कॉन्टेक्ट कर सकते थे बट इट डायड आउट एज एज क्विकली एज इट कम अप लेकिन वो जैसे आया था वैसे ही वो चला भी गया वो ज़्यादा चला नहीं

प्रिजर्वेशन ऑफ सच सोर्सेज आर मेड एट ऑल लेवल सो हिस्ट्री हमारे लाइफ को कितना टच करता है या हम हिस्ट्री को कितना जान सकते हैं तो इसलिए हमें इसे प्रिजर्व करने के लिए इसे बचाने के लिए अपना एफर्ट्स लगाना चाहिए वी शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट्स तो हमें भी अपना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन इस एफ़र्ट्स में देना चाहिए जो मतलब इस सोर्सेज को बचाने के लिए इतने काम किए जा रहे हैं उसमें हम अपने भी कॉन्ट्रीब्यूशन दें ओके सो हेर वी आर डन विद दिस लेसन थैंक यू फॉर वॉचिंग Keep planning with me, stay safe.